गर्मियों में लोगों को खूब लुभाया दिल्ली वाली सिकंजी। इस तपतपाती धूप में लोगों को घर से निकलना काफी मुश्किल सा हो गया है। तापमान इतना ज्यादा है कि लोग घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। इसी तपतपी धूप में गोपालगंज के उपेंद्र लोगों को एक खास तरह की सिकंजी पिला गला को राहत पहुंचा रहे हैं। पोस्ट ऑफिस चौक पर स्थित ठेला लगाकर एक खास तरह की सिकंजी पिला रहे, जिसका नाम दिल्ली वाली सिकंजी है। मूल रूप से उपेंद्र गोपालगंज के हुसैपुर के रहने वाले हैं। इसके पहले वो 4 साल तक दिल्ली में सिकंजी बेचते थे। बठिंडा में भी वो काफी दिन तक सिकंजी बेच चुके हैं। उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना इस सिकंजी को अपने गृह जिला में बेचा जाए। 10 बजे सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक सिकंजी बेचते हैं। हाफ 10 रुपये प्रति गिलास और फुल 20 रुपये प्रति गिलास बेच। इसका नाम रखे हैं आप दिल्ली वाला सिकंजी, मतलब इसका नाम क्यों रखे हैं, मतलब क्या कारण है? कारण यह है कि दिल्ली का मशहूर है, दिल्ली में बहुत लोग इसको लाइक करते हैं और यहाँ पे अपने गोपालगंज में मैं पहली बार लेके आया हूँ, इसके लिए इसका नाम रख दिया हूँ दिल्ली वाला सिकंजी। जो दिल्ली में गया है आया है जो जानता है वो मेरे पास आएगा पिएगा, स्वाद वही मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में मैंने कारोबार कर रखा था 4-5 साल। कितना दिन दिल्ली में आप सिकंजी बेच रहे थे? 4 साल बठिंडा में बेचे हैं, 4 साल दिल्ली के बाद आप बठिंडा में भी सिकंजी बेचे। अच्छा, इसमें क्या क्या क्वालिटियाँ हैं, क्या क्या मिला के आप बेचते हैं सिकंजी? चीनी मिलाया जाता है, एक गोंद का तीरा आता है जो राजस्थान में मिलती है और इधर नेपाल में मिलता है, वो डालते हैं और इसमें आरू का पानी डालते हैं, सिकंजी मसाला डालते हैं, नींबू डालते हैं, बना देते हैं। अच्छा, गोद कतीरा जो ये कह रहे हैं, गोद कतीरे का मतलब क्या खास है उसमें? गोद कतीरा एक ऐसी चीज है उसके बारे में किसी को पता नहीं है तो सर्च मारकर मोबाइल में देख लीजिए, पेट के लिए बहुत बढ़िया चीज है, ठंडा रखेगा हमेशा, आप उसको दिन भर में 1-2 गिलास सेवन कर सकते हैं दूध के साथ या पानी के साथ, गोद कतीरा बहुत पेट में ठंडा रखता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम भूपेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? मुर्शिदपुर थाना।